हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे कि वन प्लस एट फ़ोन में फिंगरप्रिंट कहाँ और कैसे लगा होता है। तो जानने के लिए हमारे इस वीडियो के एंड तक बने रहें, और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि हमने 2 मिनट तक फोल्डर को हीट करा प्री हीटर पर, ताकि हम मिडिल फ्रेम से इसको अलग कर सकें। तो इसके लिए हमें एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी, जो अभी आप मेरे हाथों में देख रहे हैं। उसको गैप बनाएंगे हम बीच में, उसके बाद दोबारा हम हीटिंग पे रखेंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर दोबारा हम गैप बना के करेंगे। साथ में हम इसके अंदर देखा कि हमने आईपी का यूज़ किया है। आईपी जो ग्लू होता है उसको थोड़ा लूज़ कर देता है, इसकी वजह से हमारा फोल्डर आसानी से निकल जाता है। तो इसका यूज़ करते हुए हम रहेंगे बार बार। अगर फोल्डर हमारा ठंडा हो जाता है तो हम उसको गर्म करने के लिए फिर दोबारा रख सकते हैं। देख सकते हैं कि हमारा डिस्प्ले जो है वो क्रोम से बाहर निकल गया है। अब हम चेक करते हैं कि किसी फ़ोन के फ्लैश लाइट से डिस्प्ले के आर पार लाइट पास होती है कि नहीं। तो देख सकते हैं कि जहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा हुआ है वहाँ पे डिस्प्ले से लाइट आर पार हो जा रही है। तो अब देख सकते हैं कि हमारे हाथ में फिंगरप्रिंट सेंसर आ गया है। चेक करते हैं कि कैसा है और क्या साइज़ है उसका। तो हम निकाल लेते हैं इसको बॉडी से। यह अच्छी तरीके से चिपका हुआ होता है, और डिस्प्ले और इस फिंगरप्रिंट सेंसर के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता, ताकि अच्छे से काम कर सके। ये काफ़ी फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, जो इसलिए वन प्लस इसको यूज़ करता है। जो लेटेस्ट मॉडल है उन मॉडलों में यूज़ करता है। बाकी जो पुराने जो फिंगरप्रिंट सेंसर वाले फ़ोन थे, उनमें आपने देखा होगा कि बॉडी के बाहर, मतलब बैक साइड में ही इसके, ये फ्रंट में है ठीक है, वो बैक साइड में रहता है फिंगरप्रिंट। बैक साइड से फ्रंट में इसलिए चेंज करा है इन्होंने, ताकि इसका जो टच सेंसिटिव जो स्पीड होती है इसकी काफ़ी तेज़ हो जाए। तो देख सकते हैं हमारा ये फिंगरप्रिंट बाहर आ गया है बिल्कुल प्रॉपर वे में। इसका कनेक्टर है, और ये इसका जो आप लोग देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट टाइप का फिल्म टाइप का फिंगरप्रिंट है, जो बिल्कुल यहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।